नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं नंबर वन डिबेट शो आर पार। गरम धर्म, ये शब्द सुनते ही दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की याद आ जाती है, लेकिन आजकल राजनीति में भी ये शब्द बड़ा मशहूर हो गया है, क्योंकि लाउड स्पीकर से लेकर बुलडोजर तक जमकर धर्म की सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। पहले बुलडोजर में धर्म की खोज शुरू हुई, उसके बाद कहा गया कि रमजान में लाउडस्पीकर का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, ये तकलीफ दे। हालांकि लाउडस्पीकर या बुलडोजर का मुद्दा किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा है, बल्कि नॉइस पोल्यूशन से जुड़ा है, लेकिन फिर भी इसे मुसलमानों को टारगेट करने का एक बड़ा तरीका बताया गया। लेकिन इसी बीच बुलडोजर मॉडल के बाद योगी आदित्यनाथ के लाउडस्पीकर मॉडल की भी जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि यूपी में बिना किसी विवाद के अलग अलग धार्मिक स्थानों से करीब 22,000 लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। 42,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की आवाज को घटा दिया गया है। रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती और रमजान तक उत्तर प्रदेश में हर त्योहार पूरी शांति के साथ मनाया गया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या सेकुलरिज्म के सूरमा राजनीतिक लाभ के लिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस में सबसे व्यापक चर्चा, सियासत में गरम धर्म। बुलडोजर के बाद सीएम योगी का लाउडस्पीकर मॉडल भी सुपर हिट हो गया है। यूपी में करीब 22,000 लाउडस्पीकर हटा दिए गए, 42,000 से ज्यादा लाउडस्पीकरों की आवाज घटा दी गई। भोपू जो है वो आपकी किसी आस्था का प्रकटीकरण का प्रमाण नहीं हो सकता। तेरे भोपू से बड़ा मेरा भोपू, तेरा भोपू कम शोर मचाता है, मेरा भोपू ज्यादा शोर मचाता है, ये कॉम्पिटिशन जो है वो नहीं होना चाहिए। यूपी में अलविदा जुम्मे पर भी मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ी गई, हालांकि जयपुर का नजारा अलग दिखा। बुलडोजर, लाउडस्पीकर, समान नागरिक कानून और हनुमान चालीसा को लेकर सियासत गरम है, और इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक बड़ा बयान दिया है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है, अब उसके दिन लग गए। उधर दिल्ली के शाहीन बाग में 350 करोड़ का ड्रग्स जब्त हुआ, और इसके पीछे बड़े टेरर लिंक का शक जताया जा रहा है, क्योंकि इस मामले में आरोपियों के तार तालिबान से जुड़ रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या राजनीतिक फायदे के लिए धर्म को ढाल बनाकर सियासी चाल चली जा रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत में गरम धर्म। धर्म पर गरम सियासत का विश्लेषण जानना बड़ा जरूरी है, और अब आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। मैं सबसे पहला पॉइंट रखता हूं लाउड अजान, रमजान का महीना बताकर खुली पॉलिटिक्स इस पूरे मुद्दे के ऊपर हुई। लाउड अजान यानी अजान के मुद्दे को लेकर अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त पॉलिटिक्स हुई। बुलडोजर, मुसलमानों को टारगेट करने का कार्ड खेला गया, जहांगीरपुरी से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के खरगांव तक और गुजरात तक भी। समान नागरिक कानून यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिना ड्राफ्ट सामने आए, मुस्लिम विरोधी इसे बता दिया गया, इसलिए धर्म गरम है। यानी आप सोचिए, इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी ड्राफ्ट सामने नहीं आया, इसको मुस्लिम विरोधी करार पहले दे दिया। हनुमान चालीसा, सांसद नवनीत राणा पर मुंबई में देशद्रोह का केस दर्ज है इस पूरे मामले को लेकर, इसको लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। सेना मन से यानी एमएनएस शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बीच में, एनसीपी और कांग्रेस भी इसका पार्ट है। बड़ा सवाल है, क्या राजनीति में लाभ के लिए धर्म की सियासत बेहद गर्म है? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज की चर्चा में। डॉक्टर संबित पात्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ, तो दूसरी तरफ है अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के,
दोनों को अवार्ड मिला है हाल ही में, बेस्ट स्पोक्स पर्सन का। संबित पात्रा तो नंबर टू पे आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, नेता है जेडीयू के, उनका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ आसिफ मोहम्मद खान जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में, उनका भी अभिनंदन है, वो कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं अनुराग भदौरिया आपसे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि गरम सियासत है क्योंकि मामला धर्म का है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, जाति धर्म को कैसे हम बढ़ावा दें, समाज के अंदर में जाति धर्म कैसे जिंदा रहे, कैसे उनके बीच में एक ऐसा माहौल बना के रहें कि जिससे कि सारी जो हमारी बातें हैं, जो समाज के अंदर में चीज़ें, इसी के इर्द गिर्द घूमती रहें। क्योंकि उनको विकास की राजनीति पर जाना नहीं है, महंगाई पे भी नहीं जाना है, बेरोजगारी पे भी नहीं जाना है, क्योंकि इस समाज के मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं। जनता चूंकि इसी को चाहती है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इसी को चाहती है, बिल्कुल महंगाई बेरोजगारी पे वो चर्चा करना चाहती है कि भाई डीजल पेट्रोल 120 रुपए लीटर क्यों है, क्यों तेल 200 रुपए बिक रहा है, क्यों हम सरसों का तेल। आपके सांसद एसटी हसन हो या फिर शफीकुर रहमान बर्क हो, वो क्यों फंस जाते हैं इनके जाल के अंदर? ये संबित पात्रा उनको फोन करते हैं? वो तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, महंगाई हमारे कहने से डीजल पेट्रोल, अगर मैं कह रहा हूं आप सरकार की जिम्मेदारी होती है कि धर्म की राजनीति, जात की राजनीति ना करे, समाज में विकास की राजनीति करे, विकास की राजनीति करे। ओके, संबित पात्रा आप विकास की राजनीति करिए, धर्म की राजनीति ना करिए। क्या आपको लगता है कि धर्म की पॉलिटिक्स की जननी आप है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि बार बार चर्चा में यह आता है कि 2014 के बाद यह सब कुछ हो रहा है। देखिए अमीश भाई, हम यहां तीन पैनलिस्ट हैं, आप एंकर हैं। ये तीन पैनलिस्ट कुछ तय करें उससे अच्छा है 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों ने कौन विकास कर रहा है, किसमें विकास करने की क्षमता है, ये सब निर्धारित किया है, अभी 3 महीने पहले ही किया है। आज हमारी सरकार चल रही है, पहले भी बम्पर जीत के साथ योगी जी आए थे, इस बार भी बम्पर जीत के साथ आए। अब हम आते हैं कि क्या जो धर्म की राजनीति चल रही है, गर्म धर्म ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अमित जी, किसी प्रकार से मैं यहाँ पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के नाते नहीं, एक सच्चे हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूँ, एक समय था, एक कालखंड था हिंदुस्तान की राजनीति में जहां पर इन सब विषयों पे चर्चा करने से लोग डरते थे, लोगों को लगता था ये चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों पर है, इस देश में लाउडस्पीकर चलेगा यह भी एक माइनॉरिटी का अधिकार है। किंतु आज कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए नरसंहार के ऊपर भी कश्मीरी पंडित पिक्चर बनाते हैं और हकीकत को, यथार्थ को धरती पर रखते हैं। दूसरा, लाउडस्पीकर 5 बार बजना चाहिए कि नहीं, सुनना चाहिए कि नहीं, अजान के खिलाफ कोई नहीं है, मगर लाउडस्पीकर और लाउडस्पीकर के कारण हो रहे नॉइस पॉल्यूशन का जो विषय है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी और भिन्न भिन्न प्रदेशों के हाईकोर्ट ने भी अपने मंतव्य को रखा है। क्या हम इस देश में उन विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं? अच्छा। हिजाब को लेकर अगर चर्चा होती है तो क्या आपकी मेरी बेटी हमारे स्कूल के अंदर घूंघट करके जा सकती है? चर्चा अलग चीज है, घूंघट करके चर्चा अलग चीज है प्रभु। आप धर्म को राजनीतिकरण करते हो, आप आस्था का विषय कहां इसको बनाकर रखना चाहते हो? आप कहते हो कि हम जाएंगे हनुमान चालीसा किसी घर के सामने घुस के पड़ जाएंगे, हनुमान जी मंदिर में भैया किसी घर के अंदर उसके हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, मेरी बात सुनो, किसके घर के अंदर कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी किसी घर के सामने, मैं किसके अंदर घर के घुस के जाके ना समित पात्रा ने किसके घर के अंदर घुस के हनुमान चालीसा पढ़ी? यही तो, यही आपको, अरे प्रभु मेरी बात सुन लीजिए, किसी दिन अगर बजरंगबली नाराज हो गए ना तो गदा वदा कुछ नहीं, ये घंटी बजा देंगे, बीजेपी की घंटी ऐसी बजेगी कि ये बजरंगबली का गदा लगा नहीं कि पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगा, इसलिए मुझे चिंता भारतीय जनता पार्टी की। घंटी वंटी साथ लाए, घंटी तो हमारे साथ 24 घंटे रखते हैं इसलिए, लेकिन बड़ा जगाया आपने उत्तर प्रदेश की जनता को घंटी बजाकर, लेकिन उसने 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 भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, ठीक है, लेकिन हमें भी जिताया है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्टी जीती है, दूसरी पार्टी में कोई जीता ही नहीं है। नहीं, अगर चुनाव होता है तो कोई जीतता कोई हारता, इसका मतलब नहीं है कि हम जीत गए तो नोएडा में हत्याएं होती रहेंगी, हम जीत गए तो इसके मतलब अब ये घंटी मुझे दे दीजिए क्योंकि आप मुझे आपको चुप कराने के लिए घंटी बजानी पड़ेगी, जैसे स्कूल में बजानी पड़ेगी। ओके संबित पात्रा जी, जी जी जनता ने घंटा दिया है तो बजाना पड़ेगा, बिल्कुल कोई बुराई नहीं। अब इसका अपमान मत कीजिए। नहीं नहीं कोई नहीं, अब घंटी का भी अपमान कर देंगे, क्यों बजाना मंदिर में घंटी उसका भी? अरे मंदिर की घंटी नहीं है तो क्या हुआ? अभी आपने मंदिर की घंटी ही होगी, यहाँ रखिए। समाजवादी पार्टी वाले तो टूटी चोरी करते थे, अब घंटी भी चोरी कर लो आप, कमाल की बात है। ये जवाब है इनका महंगाई पे, महंगाई का जवाब जनता, इनकी महंगाई का जवाब घंटी है, इनकी महंगाई का जवाब ट्यूपी है, जनता की जवाब भाई अनुराग अनफेयर है। अभी आपको कल ही सम्मान मिला है उसका, उसकी तो मर्यादा रखिए आप, इसकी मंदिर की घंटी है तो उधर रखिए, बिल्कुल देखिए ये हमारे पास रखिए। इन्होंने कहा हमने राजनीति को धार्मिक अमलीजामा पहनाया है, जी जी
अमीश भाई आप खुद बताइए कौन वो नेता है जिसने कहा था अगर हमें मौका मिलता तो हमने तो केवल 15-16 हत्याएं की थी गोली मार करके, हमें मौका मिलता तो हम 50-60 हिंदुओं को गोली मार के मार देते। भगवान श्री राम के मंदिर के लिए किस व्यक्ति ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था? आप बताइए इनके एसटी में जवाब दे दूं सर? एक सेकंड पहले बोल लेना, वो एक अब टाइम फॉलो करिए, मैं टाइमर चला दूंगा। अब अनुराग भदौरिया आपके लिए, पहले संविदा देखिए, इनके एसटी हसन से लेके बाकी तमाम नेता मंच पे खड़े होकर कहते हैं मुसलमान इकट्ठे हो जाओ और एक होकर वोट करो ताकि हमारा वोट डिवाइडेड ना हो। आप सोचिए अगर योगी जी या अमित शाह जी या मोदी जी में से कोई नेता कह दे हिंदू इकट्ठा हो जाओ एक होकर वोट कर दो तो यहां तो आसमान गिर पड़ेगा। और मैं भी चाहता हूं घंटा दोबारा बहुत बढ़िया, और थोड़ा और थोड़ा मन शांत होगा, मन शांत होगा। भदौरिया भाई सोचोगे हिंदुस्तान के बारे में, ये मंदिर की घंटी है। अनुराग भाई ये कौन से मंदिर से चुराया है? चित यहां लगाइए। कौन से मंदिर? घंटी का मतलब होता है आपको मैं आगाह कर रहा हूं कि चित यहां लगाइए। चित कहां लगाना है? यहां लगाइए। और थोड़ा देश के बारे में सोचिए, बैठ के दिखाने में सोचिए। अनुराग भाई कीजिए, तब आपको सच दिखाई पड़ेगा कि लोग भूख से परेशान है। मैंने आंख बंद कर ली ना, मौलाना भदौरिया जी आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? लोग महंगाई से परेशान है, आंखें बंद करके आपको दिखाई दे रहा है। सब दिखाई पड़ेगा आपको, आंख बंद करके आप ध्यान लगाइए आपको दिखाई पड़ेगा। आपका जब शासन था तो आंखें बंद कर रखी थी आपने। परेशान है लोगों की परेशानियां कहां? ये भी राहुल गांधी हो गए आंखें बंद करके देख रहे हैं। कोई मंजीरा है, कोई ढोल है, तो अब पता नहीं आजकल। देखिए मुझे तो लग रहा है कुछ मानसिक संतुलन की समस्या है, तो खैर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, घंटी घंटा बजाते रहे। मेरा ये कहना है कि हम लोग तीनों चारों यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, अलग अलग पार्टी की विचारधारा को, आप तो खैर एंकर हैं, अलग अलग पार्टी की विचारधारा को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कारण है कि मैं बोलता हूँ, संवित भाई बोलते हैं, तो हम लोग हिंदुस्तानियों पे बात करते हैं, हम लोग हिंदुस्तान के तमाम धर्मों की बात करते हैं, ये जब बोलते हैं तो सिर्फ मुस्लिम क्यों आ जाता है? ऐसा कब हुआ? हमेशा हुआ। मैं तो हिंदुस्तान मुझे खत्म तो करने दो। आपको अजान में दिक्कत, आपको लाउडस्पीकर में दिक्कत। एक तरफ आप कहते हैं देश संविधान से चलेगा, लेकिन जब कोर्ट कहती है कि हाँ लाउडस्पीकर का नॉइस पोल्यूशन हो रहा है उसको हटाइए आप, तो उस पर आप कहते हैं कि नहीं ये धर्म पे आचरण है। आज आपके मित्र, आपके भाई साहब तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा, जानते हैं क्या, सुन लीजिए, आज उन्होंने पटना में भी है, आज उन्होंने हिंदुस्तानी हमारा मित्र है, सुनिए सुनिए, आपकी दिक्कत है कि आप बीच में बोलने लगते हैं। आज उन्होंने कहा लखनऊ हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में आएगा तो देखा जाएगा। भाई साहब दिल्ली हाईकोर्ट के एक ऑर्डर से कोरोना के टाइम में मास्क नहीं लगाइएगा तो आपको उतार दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा। लखनऊ हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, बिहार में आएगा देखा जाएगा। ऐसे ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं। आप धार्मिक आधार को बना के राजनीति करते ही क्यों हैं, पहले आप ये बता दीजिए। आप कहते हैं कि कम्युनल बीजेपी है, सबसे बड़े कम्युनल तो आप लोग हैं। हाँ, जवाब दे, सबसे बड़े कम्युनल आप लोग हैं इसलिए क्योंकि बिना कम्युनल राजनीति किए हुए मुसलमानों को एक करो, हिंदुओं में फूट करो, यही आपका पॉलिसी रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जवाब जवाब ले लेते हैं। और एक बात का जवाब ये दीजिए, बुलडोजर से लेकर लाउडस्पीकर तक, क्या योगी मॉडल की अब देश को भी जरूरत है? देखिए योगी मॉडल, क्या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं वहां पर? नहीं नहीं, जहां तक मॉडल की बात करोगे तो पेपर लीक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है, तो मॉडल की तो बात ही मत करो। मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला अगर किया हुआ है कोविड काल में तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है योगी जी की सरकार में। अगर दिन दहाड़े मर्डर, अच्छा, लाउडस्पीकर में बढ़िया काम हुआ है कि नहीं बोल रहा हूँ ना, जो सवाल है उसका जवाब दो, उसी का जवाब दो, उसका जवाब दो। देखिए उत्तर प्रदेश लाउडस्पीकर में बढ़िया काम हुआ है कि नहीं हुआ, हाँ या ना? उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार है, इन्होंने तो कोशिश की थी कि इसमें भी कुछ गड़बड़ कर दें, लेकिन दिक्कत है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा नहीं, बहुत धर्म की राजनीति करते हो, इस बार तुम्हारे चंगुल में नहीं आएंगे, हम कानून का पालन करेंगे। कानून आपने बनाया, उन्होंने पालन किया। ये तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो कहते हो कानून का पालन ही नहीं करते। कौन अच्छा, कौन भाई? दूसरे धर्म के लोग, चाहे जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जाति हो, ये सब कानून का पालन नहीं करते। धर्म के लोगों के दूसरे धर्म के लोग हिंदू को भी जनार्दन है कैमरे से, सैकड़ों जनता को देख रहे होंगे, आप बताइए ये जनता समझ नहीं पा रही है किसके लिए हम बात करें? जैन धर्म के लोगों ने कब नॉइस पोल्यूशन किया? ये जो दूसरे धर्म के लोगों के बारे में बता रहे हैं आप, मुझे बताइए कब जैन धर्म के लोग भाई साहब, ये नॉइस पोल्यूशन आप भी कर रहे हैं। अमीश भाई तो लाउडस्पीकर तो आप भी कम करो, प्लीज निवेदन है मेरा। आपके साथी भी आ गए हैं अभी भदौरिया भाई, मेरे साथी तो आप भी भाई, आप अच्छा लेट हिम, लेट हिम, आपके कोलिशन आपकी सोच में फर्क है, हर हिंदुस्तान हमारा भाई है। ऐसे ऐसे नहीं होता, एक एक करके बोलो हिंदुस्तान की जय।
उसमें क्या दिक्कत है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, क्या दिक्कत है? आपने बोला दूसरे धर्म की बात कर लेते हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। क्या अनुराग अनफेयर कर रहे हैं? मुझे व्यूअर्स एक सेकंड, पीसीआर एक सेकंड, मुझे क्या चाहते हैं डिबेट को मैं रोकूं अभी? सभी धर्मों का, ओके संबित बोलिए। देखिए अमीश भाई, यहां दो टुक कुछ बातें बोलने की आवश्यकता है। पहली बात तो है, जैन धर्म के लोगों को मैंने कभी भी किसी को डिस्टर्ब करते हुए माइक लगाते हुए नहीं देखा। बौद्ध धर्म के लोगों को मैंने कभी भी, शांतिप्रिय लोग हैं, उनको इस प्रकार से इस डिबेट में घसीट के लाने की जो चेष्टा है, कुचेष्टा है यहाँ समाजवादी पार्टी की, मैं इसकी निंदा करता हूँ। कभी उन्होंने लाउडस्पीकर लगा के आपके मेरे जीवन में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की। और सिख धर्म के लोग, आप बताइए गुरबानी कितनी शांति से वो अपने गुरुद्वारे में, कभी भी उन्होंने हमें डिस्टर्ब नहीं किया है। मगर यहाँ जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो लोग डिस्टर्ब करते हैं, मैं इसकी निंदा कब कहा डिस्टर्ब एक सेकंड आपने कहा ना गलत आप भी नहीं बोला, भी लग सकता है गलत बोला है। आप अजय ने बोला सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए, संविधान से देश चलना चाहिए। ये मैंने बोला, समित बोलिए। पहले घर में सम्मान करना सिखाइए ना। सम्मान तो है प्रभु 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 घर में सम्मान। देखिए इनका संविधान, इनके संविधान की दौड़ मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के आंगन के अंदर ही थी। इनका संविधान वही रेस्ट करता था। मुख्तार अंसारी जब जुल्म ढाता था, अतीक अहमद जब जुल्म ढाता था, तो ये उसके हाँ में हाँ मिलाते थे, क्योंकि उनकी राजनीति वही थी। और भगवान राम के मंदिर को ना बनने देना, यही इनकी राजनीति। जवाब दे दो। उत्तर प्रदेश की जनता बुद्धिमान है, बिल्कुल सही कहा, और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बावजूद, कभी ये दो अच्छे लड़के साइकिल में चल रहे थे, कभी बुआ और भतीजे मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, इस सब के बावजूद इनके लिए चार चुनावों में जनता ने इनका जवाब किया है। और मैं एक बात अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में जो संविधान है उसका पालन योगी जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक लोगों को, उसका जवाब आपने नहीं दिया। जो इन्होंने सवाल पूछा कि दूसरे धर्म के लोगों पर आप आरोप लगाते हैं वो कानून का पालन नहीं करते, कौन सा आरोप लगाते हैं वो कानून का पालन नहीं करते? आप देखिए उत्तर प्रदेश, इन्होंने बोला ये बात को, आपने सुना होगा, मैं बोल लूं, उत्तर प्रदेश 10 सेकंड उत्तर प्रदेश में 20,000 लाउड स्पीकर आज उतर गए हैं, कोई दंगा नहीं हुआ है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। ये योगी आदित्यनाथ के अंदर में उत्तर प्रदेश की जनता सबसे बड़ा लाउडस्पीकर तो यही है। सुप्रीम कोर्ट जी यहाँ भी एक लाउडस्पीकर, यही तो मैं कह रहा था। उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए 42,000 लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई, 22,000 हटाए गए, लेकिन एक बात बताइए, आपने बोला कि लोग समझदार है कि सरकार ने बढ़िया काम किया। मेरी सुन लो, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए उत्तर प्रदेश, राम जीते। अब दिक्कत ये है कि आप सारी चीज हार जीत से अगर फैसला होगा कि वो जीत गए वो हार गए, महीने भर पहले रहती है प्रभु। अगर आपको आपको अगर 3,80,00,000 आपको वोट मिले हैं तो 3,00,00,000 हमें भी वोट मिले हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप एकदम सारा पूरा स्वीप कर गए और सब हार गए। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की जनता ये भी चाहती है, 3,00,00,000 उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि हम महंगाई बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, और 80,00,00,000 जो 80,00,000 जनता वो भी चाहती है कि यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप किस पे चर्चा करना चाहते हो? हम जीत गए इसलिए हम यहाँ सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करेंगे। हम जीत गए चोरी डकैती होने दो, हम जीत गए प्रयागराज में हत्या होने दो, हम जीत गए गोरखपुर में जहाँ होना होने दो, हम जीत गए नोएडा में हत्या हो रही, कोई बात नहीं, क्योंकि हम जीत गए, क्योंकि हम जीत गए। आप जब आप जीत गए तो कुछ भी होगा, कमाल की बात कर रहे हो, आप जीत गए तो यहाँ पे कुछ भी चलेगा। ठीक है, ओके जवाब देगा इसमें, क्या ये जो स्ट्रीट प्ले हो रहा है इसका क्या जवाब दूं बताओ? हम जीत गए, हाँ हाँ हम जीत गए, हम जीत गए, सब 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 जीत गए। देखिए 80,00,00,000 जनता चाहती है। अमीश भाई जनता क्या चाहती है? जनता अपने मतपेटी में इसका उत्तर दे रही है। अमीश भाई आप बताइए, इस देश में 32 वर्षों तक एक समुदाय, कश्मीरी हिंदू समुदाय ने अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाया, क्योंकि वो उनको फर्टाइल ग्राउंड ही नहीं मिला कि वो अपने हकीकत को रख सके। आज कश्मीरी हिंदू, देखिए आसिफ खान जी इतना हंसने का विषय तो नहीं है, कश्मीरी पंडितों के विषय में मैंने कहा तो ये हंसने का विषय है। आप जिस प्रकार ठाकरे, ये जनता है मोदी जी की नकल को फॉलो कर रहे हैं, ताली मोदी जी जिस तरह से बजाते हैं। आसिफ जी, आसिफ जी एक सेकंड, अगर भदौरिया जी ने ताली बजा दी तो आपको बड़ा ऐतराज है? आसिफ जी ताली तो बजा रहे हैं आप आजकल, जब ताली बजाते हैं जनता भी ताली बजाएगी। असीम जी, आसिफ जी मैं आपसे एक निवेदन करूं, आसिफ जी आप बड़े भी हैं, मैं सम्मान भी करता हूं, आराम से बात करेंगे। आसिफ जी मैं कश्मीरी पंडितों के विषय में बात करता हूं तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आप लोग हंसते हैं?
ये हंसने का विषय नहीं। अरे है। आप तो कि एक सेकंड आपसे नहीं बोला, मैं समाजवादी पार्टी, मैं आसिफ जी से बात कर रहा हूँ, और समाजवादी पार्टी का विषय भी नहीं। डाइल्यूट आप करते हैं, कश्मीरी पंडितों का दुख मुद्दों को डाइल्यूट करना है। एक सेकंड, देखिए देखिए, कश्मीरी पंडितों की व्यथा पे बात हो रही है ना, घंटी बजाने का वक्त है ना। लेट हिम स्पीक देन आसिफ मोहम्मद। अमीश भाई, आपको लगता होगा कि हम लोग हर डिबेट में कश्मीरी पंडितों की बात क्यों करते हैं? अमीश भाई, इस पूरे विश्व में आप देखिए, कभी होलोकास्ट को भूलने ज्यूज ने नहीं दिया। इस पूरे विश्व में देखिए, जो प्रताड़ना ज्यूज के ऊपर हुई, ज्यूज हर यूएन में खड़ा होता है, चाहे वो किसी कॉन्फ्रेंस में होता है, वो याद दिलाता है कि आज इजराइल की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हमारे ऊपर इस प्रकार से प्रताड़ना की गई। क्यों कश्मीरी पंडितों का ये अधिकार नहीं है कि उनके ऊपर जो हुआ है 32 वर्षों तक उन्हें चुप रहने के लिए, और आज भी हमारे इतने बड़े बड़े प्रवक्ता यहाँ आके ठाके मार के हंसते हैं जब कश्मीरी। अगर मैं किसी मुसलमानों के विषय पर हंस दूं, कभी मैं ऐसा करूंगा नहीं, अगर हंस दूं तो आप बताइए फतवा जारी हो जाएगा। इनकी हिम्मत देखिए, ठीक है, ठीक है। और ये घंटी बजाते हैं, अब बिल्कुल बजाएंगे घंटी। क्या दिक्कत, घंटी से भी दिक्कत हो गई। आसिफ मोहम्मद खान, घंटी से भी दिक्कत, आसिफ मोहम्मद खान, घंटी से दिक्कत है, और ये घंटी बजाएंगे से दिक्कत हो गई, और ये घंटी से दिक्कत है। नहीं, कश्मीरी पंडितों का जो ऐसा है, पंडितों के विषय में, कश्मीरी पंडितों के विषय में आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप घंटी बजाकर उसका मजाक उड़ाएंगे। मन शांत तन शांत, घंटी बजा दीजिए शांत। अमित जी, अच्छा आसिफ मोहम्मद खान आसिफ मोहम्मद को घंटी दीजिए, तो मैं देखता हूँ ये आसिफ मोहम्मद की घंटी बजाते हैं। प्लीज नहीं, अमित भाई, आसिफ भाई जरा घंटी बजाना, इतने सेक्युलर है हमें, अभी टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग, मैं टेस्टिंग लूंगा, घंटी में क्यों दूंगा, नहीं मैं टेस्टिंग लूंगा। अरे ये लाइए घंटी है, लाइए, जय श्री राम, बजा बजाइए, सुनिए दूसरा, और बजाइए, आप बोलिए गॉड से मुर्दाबाद, आप बोलिए गॉड से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद बोलिए, गॉड से मुर्दाबाद, बोलिए गॉड से मुर्दाबाद, घंटी बजाइए, घंटी बजाइए, गॉड से मुर्दाबाद, घंटी बजाइए, घंटी बजाइए, गॉड से आतंकवादी बजा रहे, बजा रहे, बजा रहे, बज गए घंटी, बधाई हो आपको, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, आप कहिए गॉड से आतंकवादी है, कहिए गॉड से आतंकवादी है, गॉड से मुर्दाबाद, ये आतंकवादी है, कहिए मुर्दाबाद, कहिए आतंकवादी है, घंटी घंटी घंटी, ये गॉड से बोला बजा दी, बहुत अच्छी राजनीति, बहुत अच्छी जवाब, जवाब जवाब, अमित जी अमित जी एक बात, एक जगह एक जगह अनुराग, ये फेयर नहीं है, ये आप अनफेयर कर रहे हैं, उनको बोलने दे, उनको बोलने दे ना, ओके 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 ओके, एक सेकंड, ये है भाई अनुराग, अनुराग ठीक है, अच्छा ये नफरत की राजनीति है, वही मैं भी यही कह रहा हूँ, एक सेकंड, ये नफरत की राजनीति कर रहा है वो भाईचारे की, यही कह रहे हैं ना आप, ठीक है एक सेकंड समेत, आप नफरत की राजनीति है और आसिफ मोहम्मद खान प्यार की राजनीति कर रहे हैं। अब मैं शांति से जवाब दूं, जी जी जी, आसिफ भाई शांति से सुन लेना, फिर आप देना 30 सेकंड। देखो आसिफ भाई, मुझे अच्छा लगा कि आप जैसा एक व्यक्ति है जो मंदिर की घंटी बजा सकता है, मंदिर के अंदर जाके हम बजाते हैं। सुन लीजिए आसिफ भाई, सुन लीजिए, बचपन में हमने अपने आसिफ भाई, एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा बजाया, थोड़ा, अरे आप थोड़ा साद भी खाए, बहुत बढ़िया, ये देखिए मंदिर में घंटी बजाते हैं, मैं इनको बता देता हूं, बहुत बढ़िया, ये हिंदुस्तान, ये बोलने देंगे नहीं, मोहम्मद खान की बात है, अरे क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे डिबेट नहीं हो सकती अनुराग, आप बाकियों को बोलने देंगे ना, अब बोले ना, मैं बोला आज यार, ओके एक बार ही बोले अभी तक, ठीक है, आसिफ मोहम्मद खान बोले ही नहीं है, बोले 30 सेकंड समित पात्रा। देखिए अमीश भाई, अच्छी बात है, आसिफ भाई ने मंदिर की घंटी बजाई, उन्होंने कहा मैं मंदिर में जाके पूजा भी करता हूँ, घंटी बजाता हूँ, बहुत अच्छी बात है। कितने आसिफ भाई हैं जो मंदिर में जाके पूजा करते हैं? मैं आपको ऐसे सैकड़ों, 80 करोड़ इन्होंने कहा, मैं सैकड़ों हिंदुस्तानी दिखा दूंगा जो इफ्तार मनाते हैं, इफ्तार नहीं, मैं मस्जिद में जाके इबादत नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, अरे बोले दीजिए ना, ऑडियो करिए आप अनुराग जी का, नहीं नहीं अमीश अमीश भाई, यहाँ अनुराग भदौरिया और आसिफ भाई कह रहे अमीश भाई, ये क्या, देखिए अनुराग मेरा निवेदन है, इससे ना चर्चा हो रही है ना कुछ हो रहा है, आपको सबसे ज्यादा वक्त मिल गया, समेत अपनी बात को 15 सेकंड में कंप्लीट करिए। देखिए अमीश भाई, ऑन अ सीरियस नोट, अभी अनुराग भाई ने भी कहा, आसिफ भाई ने भी कहा, आप मस्जिद चलिए वहां इबादत करिए, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मगर मैं मस्जिद जाके इबादत नहीं करूंगा, अ गुड हिंदू इज अ गुड ह्यूमन बींग, जस्ट एज अ गुड मुस्लिम इज अ गुड मुस्लिम, मगर मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये जो फिलॉसफी बनाई गई है वन वे ट्रैफिक का, कि हम ही इफ्तार पार्टी करते रहेंगे, हम में से किसी ने, आप याद करिए, आप ही के एक वारिस पठान जी ने गणपति बप्पा मोरिया कहा था, क्या हश्र हुआ था उनका,
सलमान खान जब गणेश पूजा करते हैं अच्छी बात है, यही लोग फतवा जारी करते हैं यही लोग। और अनुराग भाई आप तो इतना अच्छे हैं ना, यहाँ नमाज पढ़िए। अरे हमें नमाज पढ़ने नहीं आती तो पढ़ कहां दीजिए यार, नहीं आती है ना, तो इतना चिल्ला क्यों रहते हैं, आसिफ मोहम्मद खान अब आप बोलिए, ये घंटी में हटा रहा हूं यहां से। मुझे सबसे पहले एक बात पे एतराज है आपके चैनल पे, देखिए आप एक न्यूज चला रहे हैं जो मैं आपके चैनल पे देख रहा हूं कि शाहीन बाग में ड्रग्स का खेल। देखिए अमित जी, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, एमएलए रहा हूं, शाहीन बाग में रहता हूं, मैं सियासत से संन्यास ले लूंगा अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर किसी चैनल पे आके या मीडिया के कैमरे पे ये कह दे कि शाहीन बाग में ड्रग पकड़ी गई है और इस बिल्डिंग और इस फ्लैट से पकड़ी गई है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं शाहीन बाग में रहता हूं, शाहीन बाग में ना तो कोई रेड पड़ी है ड्रग्स के लिए, ना कोई ड्रग्स बरामद हुई है, ये तमाम मीडिया में ने ये एक अफवाह चला रखी है, खबर है। आप कंफर्मेशन कंफर्मेशन ही है खबर, आप किसी कम्युनिटी पे, किसी कम्युनिटी के शाहीनबाग कम्युनिटी के आ रहे हैं आप, शाहीनबाग कम्युनिटी कैसे हो गई, कम्युनिटी कैसे हो गई, शाहीनबाग कम्युनिटी कैसे हो गई, देखिए शाहीनबाग में नहीं पकड़ी गई। एक मिनट ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर इस समय, और मेरे साथ मौजूद है कई दिग्गज मेहमान, मेरे साथ संबित पात्रा है एक तरफ और साथ ही है डॉक्टर अजय आलोक, मेरे साथ अनुराग उधरिया है और आसिफ मोहम्मद खान है। ब्रेक से पहले बड़ी चर्चा हुई, आसिफ मोहम्मद खान आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है, क्योंकि आज भागवत साहब ने एक बात कही है, आरएसएस के जो चीफ है उन्होंने बोला है जिस समाज को हिंसा पसंद है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है, हिंसा से किसी का फायदा नहीं होता, दो समुदायों को मानवता की रक्षा करनी चाहिए, ये तो अच्छा मैसेज है जी। बिल्कुल, देखिए जो जिम्मेदार लोग हैं और उनको जिम्मेदारी के साथ ही बात करना चाहिए, भगवत जी ने जो बात कही है भगवत जी ने, हम उसका वेलकम करते हैं हम, और हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन खाली जुबान से ही बात को तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। अर्थात इसका जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है जब मुल्क के इतने नाजुक हालात पैदा हो जाएं कि इस मुल्क में, देखिए मैं मुझे कभी आप मैं मेरी बात सबित जी थोड़ा सा आप गौर और फिक्र मतलब को करना पड़ेगा। देखिए इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत जो है वो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब रही है, आप माने या ना माने, इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत जो है, जिससे पाकिस्तान भी परेशान है कि यहां पर हिंदू और मुसलमान जब मुल्क की बात आती है, अपने कल्चर की बात आती है, अपनी सभ्यता की बात आती है, अब आपको लग रहा है तकलीफ क्यों हो रही है, अब आपको लग रहा है उस गंगा जमुनी तहजीब को तकलीफ क्यों हो रही है, तकलीफ यूं हो रही है कि देखिए मैं खाली एलिगेशन नहीं लगा रहा, देखिए प्लीज डिबेट डिबेट की तरह होनी चाहिए, अगर हम तथ्य पेश करेंगे तो उस पर गौर भी करना चाहिए, आप जो बात कह रहे हैं हमें भी गौर करना चाहिए और हम जो बात कह रहे हैं, अरे बात क्या है आपकी, बात क्या है, देखिए 5 सेकंड मैं बात ये कह रहा हूं कि जब जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, अगर प्रधानमंत्री जी इस जो भी हिंदुस्तान के अंदर, देखिए पत्थरबाजी कोई एक धर्म के लोगों का मुद्दा नहीं है, आज पंजाब में पटियाला में मुसलमान कहीं नहीं थे बीच में जो पत्थरबाजी कर रहे थे, एक नाम दे दिया कि मुसलमान पत्थरबाज, आज पटियाला में पंजाब में जो पत्थरबाजी करिए उसमें मुसलमानों का कहीं रोल नहीं था ना, चाहे हिंदू करे चाहे सिख करे चाहे, अच्छा ये बात बताइए, चाहे मुसलमान करे, कोर्ट की बात हुई इस मुल्क के कल्चर से सभ्यता से, लेकिन कॉमन सिविल कोड की बात हुई, ड्राफ्ट आया नहीं उसको कह दिया गया वो मुसलमानों के खिलाफ है, देखिए तो मानसिकता तो वो है, अपने जवाब सुनिए, अब समित पात्रा का जवाब सुन लीजिए, हमारा ये जी आप चंद लोगों की बातें मत करिए, आप चंद लोग, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है भाई साहब, देखिए
वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता। यही बात अगर आप इस बात को गलतफहमी में हैं, एसपी हसन नहीं करता, अमनतुल्ला खान नहीं करता, शफीकुर रहमान बर्क नहीं करता, सलमान कुर्शीद नहीं करते, कौन करते हैं? आप नहीं करते, कोई नहीं रिप्रेजेंट करता। अब जवाब सुन लीजिए, संबित पात्रा जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, बहुत शांति से मैंने आसिफ भाई साहब को सुना, मैं भी शांति से जवाब देता हूँ। देखिए अमीश भाई, आप बताइए, इस देश में मुहर्रम का भी प्रोसेशन जुलूस निकलता है, ताजिया भी निकलता है। मैंने आज तक कभी जितने न्यूज़ मैंने देखे हैं, जितना मैंने होस्ट संभाला है, मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई पत्थरबाजी या किसी प्रकार का आक्रमण हमारे समाज ने, हमारे देश ने, हमारे देश के किसी भी धर्म के लोगों ने ताजिया के ऊपर या मुहर्रम के जुलूस के ऊपर किया। मगर मुझे आश्चर्य होता है कि कोई एक जगह, कोई दो जगह नहीं, 20-20, 30-30 स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा और हनुमान जी के शोभा यात्राओं के ऊपर पत्थरबाजी होती है, छतों के ऊपर से होती है। और कष्ट होता है कहते हुए, आसिफ भाई तो अच्छे इंसान है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बड़े प्रयोजन पर कह रहा हूँ कि आप देखिए, कष्ट इस बात पर होती है कि ये सब पहले से प्रयोजन करके होता है। अर्थात एक रात पहले से पेट्रोल बम तक इकट्ठा किया जाता है, पत्थर तक इकट्ठा किया जाता है। और ना तो आदरणीय मोहन भागवत जी ने, नाम हम में से किसी ने ये कहा कि पत्थरबाज मतलब मुसलमान, किंतु एक तरह से जैसे ही पत्थरबाज कहा जाता है, हमारे जो अपोजिशन पार्टी है वो हम पे हावी हो जाती है, चिल्लाना शुरू कर देती है, अटैक करती है कि आपने मुसलमानों को क्यों टारगेट किया, जब हमने तो कभी किया नहीं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक गिल्ट कॉन्शियस तो है, ठीक है, कि पत्थरबाज कौन है। आसिफ, मेरा आपसे सवाल है, लाउडस्पीकर की अगर बात हो तो योगी मॉडल की बड़ी तारीफ हो रही है, किस तरह से 42,000 लाउडस्पीकर की आवाज कम हो गई, 22,000 लाउडस्पीकर उतार दिए गए, लेकिन बुलडोजर का भी लोग धर्म ढूंढ लेते हैं। आपने अभी ढूंढ बोला कि पत्थरबाजी इज इक्वल टू मुसलमान के बराबर आपने भी खड़ा कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं पहली एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में एक पता है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कॉलोनी को कॉलोनाइजर है, एक तरह से कॉलोनी काटती है। जवाब देखिए, जितनी मेरी बात, मैं दोनों पहलू पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं क्योंकि MLA रहा हूँ और मैंने सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और कॉर्पोरेशन का भी मेम्बर रहा हूँ, और तो देखिए क्या होता है, जितनी एसेंशियल जरूरियात होती है, DDA अगर कोई कॉलोनी काट रहा है, सरिता विहार काट रहा है, जसोला विहार काट रहा है, तमाम, और ग्रेटर कैलाश काट रहा है, जितनी कॉलोनीज को काट रहा है, तमाम एसेंशियल कमोडिटीज के लिए जगह उसको मुहैया करानी उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो स्कूल के लिए जगह मुहैया करा रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए करा रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा कहने का मुद्दा यह है कि क्योंकि हमारी धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं, हमारी परंपराएं भी हैं, हमारे कुछ फराइज भी हैं, अगर नमाज के लिए, मस्जिद के लिए अगर हम पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, तो हमें मस्जिद के लिए जगह मिलनी चाहिए। जो लोग मंदिर के लिए जगह उस कॉलोनी के अंदर DDA से लेना चाहते हैं, उन्हें मंदिर के लिए जाना चाहिए। नहीं, पर अगर मैंने तो आपसे सवाल पूछा, नहीं, सवाल तो मेरा जवाब सुनिए, हमें मस्जिदों के लिए जगह नहीं देंगे, मंदिरों के लिए जगह नहीं देंगे, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं देंगे, शमशान घाट के लिए नहीं जगह देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो जमुना है उसपे सुप्रीम कोर्ट तक एक्शन लेने की बात करता है पॉल्यूशन के लिए, लेकिन शमशान घाट बने हुए हैं, नहीं होने चाहिए शमशान घाट जमुना में, लेकिन DDA को शमशान घाट वो की पद्धति है, वो हिंदुओं की पद्धति है। अगर आप कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, आज आलोक भी कोर्ट जो है हर पहलू से, डॉक्टर आलोक, मैं इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब बातें ऐसी है जिसका कोई मतलब नहीं है। मुझे एक बार बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ, मैंने पठान सूट पहना हुआ है, ठीक है ना, ये हिंदू पहना हुआ तो नहीं है? किसी मुसलमान को आपने देखा धोती कुर्ता पहने हो आज तक? बिल्कुल बात है, नहीं देखा होगा आपने। क्या आप सुनिए, अब सुनिए, अभी एक बात मानेंगे, आराम से हम लोग बात करते हैं ना। हम हिंदू धर्म में कभी ये बोलते हैं कि दूसरा धर्म इबादत के लायक नहीं है? कभी हमने कहा है? कभी नहीं कहा है, मैं किसी ने नहीं कहा है। अजान में क्या होता है? अजान में क्या कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है? ये कट्टरता, ये धार्मिक कट्टरता, इसी के कारण तो द्वेष है। देखिए, इसी के कारण तो द्वेष है। आप ये बताइए, हिंदू की बात छोड़ दीजिए, रामनवमी पे अटैक हुआ छोड़ दीजिए बात, देखिए आप बहुत सेकुलर है, मैं जानता हूँ आप धार्मिक सब धर्मों की इज्जत करते हैं, जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन सब लोग आपकी तरह नहीं है। आप ये बताइए, हिंदुओं पे अटैक हुआ रामनवमी में, चलिए मान लिया हो गया, रामनवमी हिंदुओं पे अटैक, अरे जो पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी किसने करी? मस्जिद पे हिंदुओं ने, किसने लगाने की कोशिश करी? अच्छा ठीक है, झंडा किस रंग पे आप आ रहे हैं? पंजाब में भी मुसलमानों ने करी, आगे तो खत्म करने को 30 सेकंड दे दीजिए, अरे मुझे आगे खत्म करने दीजिए ना। यूरोप में ईसाइयों पे पत्थर चलाने की क्या जरूरत थी? वहां तो हिंदू नहीं थे, उनका धार्मिक जुलूस निकाला था, उन पर ही पत्थर चला दिया। स्पेन, स्वीडन,
स्वीडन में पत्थर चला, कहां पत्थर नहीं चला, ब्रसेल्स में पत्थर चले, क्यों चले? आपको दूसरे धर्मों से, देखिए किसी भी धर्म में अतिवादी का हम विरोध करते हैं, ठीक है, चाहे वो बात आप नीतीश जी से पूछनी चाहिए, टोपी लगा के अवतार में बैठे हुए थे, हम मुसलमानों का विरोध कब कर रहे हैं भाई? आपसे भाई मुसलमानों का कौन विरोध कर रहा है? नहीं, आपने तो शमशान घाट का विरोध किया, आपने बड़ी बात बोल दी, आपने शमशान घाट की बात कर दी, किसको भी पहनानी चाहिए? आपने शमशान घाट, शमशान घाट और कब्रबा की बात आप अपने सहूलियत के हिसाब से करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात अपने सहूलियत के हिसाब से करते हैं, शमशान घाट कह रहा हूँ, अतिवादियों से नफरत क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं पूरी मुसलमान कौम खड़ी होकर कहती है कि अतिवादियों से नफरत? अयोध्या में जो हुआ में उतरते क्यों? अयोध्या में जो गलत हुआ वो गिरफ्तार है, आदमी टोपी लगा के गिरफ्तार है, वो लोग कुरान फाड़ने से लगा उन पर, वोट डालकर आए, कौन से लगा उन पर, कौन आए थे, हम भी यही बोल रहे हैं, एनएसए लगाए उन पर, कौन आए थे, जो आए थे साथ तो गिरफ्तार है, जो सात लोग आए थे वो सातों लोग गिरफ्तार है और उन पर एनएसए लगाए गए। एक सेकेंड, समित पात्रा को मैं लेके आता हूँ। समित पात्रा, खास तौर पर जो बात उन्होंने शमशान घाट को लेकर बोली, जो बात उन्होंने बोली शमशान के लिए भी बोली, दोनों के लिए बोली, जवाब जवाब शमशान घाट को आप नहीं, हर चीज को कम्युनलाइज मत करिए, कम्युनलाइज तो आपने किया, कब्रिस्तान की भी जरूरत है, शमशान घाट की भी जरूरत है, मंदिर की भी जरूरत है, मस्जिद की भी जरूरत है, इन सबके लिए जगह मुहैया कराना गवर्नमेंट का काम है, ठीक ठीक ठीक, मैं किसी और घर की भी जरूरत है इस मुल्क के अंदर, गुरुद्वारे की भी ठीक 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 है, ओके। देखिए आसिफ साहब ने सही कह रहे हैं, सबके लिए कहा। अमीश भाई आप बताइए, क्या कॉलोनीज में, क्या हमारे हिंदुस्तान में, दिल्ली में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, क्या हमारे पास मंदिर और मस्जिद की कमी है? मैं नहीं मानता कमी है, मैं तो मानता हूं मंदिर और मस्जिद दिल में ही है, दिल में। क्या हो गया? देखिए मैं आपको मौका दूंगा, इसके बाद आप ही का मौका। मैं तो शांति से, कौन शांति प्रिय है और कौन नहीं है यहाँ ही दिख रहा है। देखिए मैं आज जयपुर में जिस प्रकार से नमाज पढ़ा गया है, आज फ्राइडे है, आज जिस प्रकार से नमाज पढ़ा गया, अलविदा की नमाज थी, नहीं देखिए आज मैंने इसमें देखा, मैं किसी के खिलाफ नहीं, रोड ब्लॉक करके आप बताइए, क्या हम वर्षों से, आपने कब हिंदुओं को देखा है कि हर हर शुक्रवार को महाआरती कर रहे हैं रोड ब्लॉक करके? आप ये फॉल्स इक्विवेलेंस प्लीज ड्रॉ मत करिए, हिंदुओं ने हिंदुओं की पद्धति नहीं है, नहीं हमारी पद्धति क्या होती है, रोड ब्लॉक करना किसकी पद्धति है, किसकी जगह नहीं है? नहीं, नहीं, जी, एक सेकंड, मैं फिर भी कि वो सड़कों पे नमाज पढ़े ना पढ़े, लेकिन इन्हें भी अपील करनी पड़ेगी हिंदू भाइयों से कि कांवड़ जो है सहारनपुर से लेके मुजफ्फरनगर तक एक हफ्ता रोड जाम रहती है, आपको भी कांवड़ियों से अपील करनी चाहिए कि कांवड़ लोगों को जवाब जवाब सुन लीजिए, फिर आपको बोलने के लिए आसिफ मोहम्मद खान, अनफेयर मत करिए आसिफ जी, आपने बोले आप मुसलमानों से नहीं करूंगा, व्यवहार होता है ना, ऐसे चिल्लाना नहीं होता है। देखिए आसिफ जी ने और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और उनके प्रवक्ता ने अभी डिमांड किया है कि कांवड़ यात्रा बंद होनी चाहिए, मैंने कहा बंद नहीं होनी चाहिए, गलत बात कर रहा है, मैंने अभी बोला भी नहीं, आपने अभी अपने सहा में हां मिलाया, घंटा बजा रहे थे बड़े जोर से, दोनों मिला घंटा बजा रहे, झूठे ये झूठी पार्टी है, देखो व्यूअर मैं बोला भी नहीं, अरे अरे एक सेकंड, नहीं आपने बोला, नहीं एक सेकंड एक सेकंड, आसिफ आसिफ मोहम्मद खान आपने बोला, आपने बोला पहले हिंदुओं को बोलिए वो रोड एक हफ्ते के लिए बंद रहता है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, खत्म करिए, वो खत्म करिए, खत्म करने का मतलब ये तो गले पड़ जाते हैं, मैंने कहा कि सड़क पे नमाज नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा आप पहले कांवड़ियों को अपील करो, मैं मुसलमानों का आपके अपील से क्या होगा, क्या होगा? और मैं एक बात बता दूं यहां पर, सुन लीजिए कान खोल के, हाँ, सुन लिया, मैं अपील करता हूं कि हर हिंदू को कांवड़ यात्रा में जाना चाहिए, भोले देव का आशीर्वाद लेना चाहिए, कोई रोड ब्लॉक नहीं, कोई हिंदू रोड ब्लॉक नहीं करता है, कोई हिंदू कभी भी दूसरे की, और हम फिर भी मुसलमानों से नहीं, मैं मुसलमान हिंदू नहीं कर रहा हूं, मत पढ़िए आपने, हाँ बस आप कहिए, कर रहे हैं आप कहिए, आप में हिम्मत है तो आप भी करिए ना, अरे मैं तो कह रहा हूँ सबको जाना चाहिए कांवड़ यात्रा, सभ्यता आप और अनुराग भदौरिया घोड़े खोल दीजिए कांवड़ यात्रा बंद करने के लिए, ठीक है अनुराग भदौरिया कांवड़ यात्रा होगा होगा और हम सड़क पे जाके महादेव का आशीर्वाद लेंगे, बोला नहीं होगा, अरे ऐसे से कर रहे थे, अरे भदौरिया
भदौरिया जी क्लैरिफाई करे, भदौरिया जी क्लैरिफाई, आप चाहते कांवड़ यात्रा बंद हो? मैंने कहा बंद कर रहे हैं, घंटी घंटी दीजिए इनको, नहीं इनको घंटी दिया जाए, घंटी बजाए, कांवड़ यात्रा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, शांति शांति, अब शांति बनाइए, हम अपनी बात कह रहे हैं। कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। और रोड करने दो, कांवड़ियों का बंपर रोड कर रहे हैं, अनफेयर कर रहे हैं, इनको भी 50 सेकंड मिलने चाहिए, 50 सेकंड मिले, एक सेकंड चाहिए। हां बिल्कुल, आप मेरी बात सुन लो, इन्होंने दो शब्द बोले, एक कि हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में होना चाहिए, मैं आपको बधाई देता हूं आपने बात बोली, लेकिन ये बात जाके नवनीत राणा की फैमिली को बताइए, मैं तो कहता हूं हनुमान चालीसा होना चाहिए, यहां भी रोड पे क्या आप पढ़ने जा रहे हैं, बताइए आपने क्यों नहीं मना किया उनको, क्या गलत कर, आप तो कह रहे हो क्या गलत किया, राणा जी ने तो हनुमान चालीसा पढ़ा भी नहीं था, रोड पे क्यों पढ़ने जा रहे, वो तो सोच रही थी, वो तो गई भी नहीं थी वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, सुविधा किसने राजनीति करते हैं बताइए, ये कांवड़ यात्रा बंद करने के लिए अपील कर रहे हैं, कह रहे मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, रोड पे पढ़नी चाहिए, और नाम रोड पे नमाज पढ़ेंगे, कितनी झूठी है, मैंने कहा कावड़ यात्रा होनी चाहिए, ये कह रहे भदौरिया जी कह रहे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, भदौरिया जी अरे क्या जी, आप तो भी रोड ब्लॉक हो रहा है, कावड़ यात्रा होनी चाहिए, ये बीजेपी के लोग हैं, ये आप जनता सुन लीजिए, ये आपको वैसे भदौरिया जी कावड़ यात्रा में हरा कुर्ता पहन के जाएंगे या भगवा कुर्ता पहन के, अलावा कुछ नहीं, अमित जी ये क्वेश्चन है, पूरे अगर भदौरिया जी कावड़ यात्रा में जाएंगे तो हरे कुर्ते पे जाएंगे या भगवा कुर्ता पहन के, 10 सेकंड और, अच्छा आप कावड़ यात्रा में जाएंगे हरे कुर्ते पे जाएंगे या भगवे में जाएंगे, हरे कुर्ते 10 सेकंड, अब दरअसल में बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश हम जीत गए तो महंगाई है तो क्या हुआ, बढ़ेगी महंगाई, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ने दो, क्योंकि मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गया हूँ, इसलिए महंगाई बेरोजगारी महिलाओं पे बलात्कार हत्या होने दीजिए, क्योंकि मैं जीत गया हूँ, कमाल है आप जीत गए तो हमारे महंगाई कर दोगे ज्यादा, कमाल के हम जीत गए हैं, सत्ता मेरी आई है, इसलिए महंगाई होगी, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ेगी, जीत गए हैं, घंटी गिर गया, ये देखिए पकड़ने की ध्यान से हमारा स्टूडियो भी ना टूट गया, ध्यान से ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं सिर्फ चुनाव जीत के चाहे महंगाई आपको लगी तो नहीं, आपको लगी तो नहीं लगेगी, भदौरिया जी समाजवादी लोग हैं, भदौरिया जी ये समाजवादी, भदौरिया जी अगर समित जी अगर बीजेपी, अरे घंटी गिर रही है गले में बांधिए इनके, घंटी ये भी मुसलमान, रस्सी लाओ इनके गले में घंटी बांधो, पहले गिर जा रही है बार बार, ये अगर बीजेपी के प्रवक्ता ना होते, क्या बोल रहे हैं आप जी, ये भी मुसलमानों की टोपी लगा के कहीं पथराव कर रहे होते, मुसलमानों को बदनाम कर रहे होते, मतलब इसका मतलब अयोध्या में यही हुआ है, जवाब 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 में हुआ ही यही, आसिफ जी ने बहुत बड़ी बात कही कि अगर संबित पात्रा बीजेपी का प्रवक्ता नहीं होता तो कहीं एक मुसलमान टोपी, एक सेकंड शांति, मुसलमान टोपी लगा करके पत्थरबाजी कर रहा होता, इन लोगों का बस चले तो ये तो कहेंगे ओसामा बिन लादेन नहीं था, ये तो हिंदू ही था जिसका नाम ओसामा बिन लादेन इन लोगों ने रखा है, इनके हिसाब से तो वो ये जो याकूब मेमन था वो भी हिंदू था, ये तो हमने उसका नाम याकूब मेनन रख दिया, शर्म नहीं आती, ये जितने लोग जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी कर रहे थे छतों के ऊपर से, ये हिंदू थे टोपी पहन करके, आप लोगों को थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए, ये हिंदू पंजाब में क्या हुआ आज, कौन पथराव कर रहा था पंजाब पटियाला में, जहांगीर जहांगीरपुरी में मुसलमान पथराव कर रहे थे, जहांगीरपुरी में टोपी लगा के हिंदू पत्थरबाजी कर रहे थे, टोपी नहीं हिंदू हिंदू पत्थरबाजी भगवा पट्टा डाल के पथराव कौन कर रहा था, मुसलमान कर रहे थे क्या, एक आसिफ जी मैंने एक सवाल पूछा, जहांगीरपुरी में आपके हिसाब से ये सारे हिंदू लोग टोपी लगा करके पत्थरबाजी कर रहे थे, जम्मू कश्मीर तलवारें कौन लहरा रहा था, आपने पत्थरबाजी टोपी वाले लहरा रहे थे, कौन सा तलवार लहरा दिया, किसी भी समाज में आतंक पैदा करना आतंकवादियों का काम है, तो कौन है जो भी किसी भी तरह का आतंक पैदा करे, कौन आतंकवादी है, कौन है आतंकवादी, कौन आतंकवादी जो जो तलवारें लहरा रहे थे, कौन तलवार लहरा रहे थे, कौन लहरा रहे, आप बताइए ना आसिफ जी, एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, हिंदू कभी आतंकवादी ना था ना होगा, हो ही नहीं सकते, हम हो ही नहीं सकते, गॉड से कौन था, आतंकवादी नहीं मर्डरर था, मर्डरर आतंकवादी नहीं था, असैसिनेटर था, महात्मा असैसिनेटर, असैसिनेटर और आतंकवादी, असैसिनेटर मैंने कहा ना, असैसिनेटर आतंकवादी था, एक सेकंड, आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था, नहीं इस पहला आतंकवादी, दूसरा आतंकवादी इस हिसाब में आप पढ़िएगा, वो असैसिनेटर था, वो मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा, मगर एक बात याद रखिए, ये आदि था, एक सेकंड सर, ये आप लाख कोशिश कर ले हिंदुओं को आतंकवादी कहने के लिए, मगर कान खोल के सुन लीजिए, हिंदू आतंकवादी नहीं है, नहीं है, नहीं है, हिंदुओं को आतंकवादी आप चाहे समाजवादी पार्टी 100 बार कह दे, 100 बार में भी हिंदू को भी आतंकवादी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, आपके लिए होगा,
आपके लिए चारा है। अरे भाई ये हरे कुत्ते वाले आ गए हिंदुओं को आतंकवादी प्रूफ कर रहे हो। अरे हिंदुओं को आतंकवादी प्रूफ करने के लिए आ गए। उन्होंने कहा है कुछ यार जबरदस्ती बता दे रहे हो अपने अपनी बात दूसरे मुंह में डाल दो। मुझे कह दिया कि मैं कवर यात्रा के लिए मना कर रहा हूं। किसके खिलाफ बोल रहे थे? अभी तो कवर यात्रा के खिलाफ बोल रहे थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भदौरिया जी से। मैं एक अच्छा ठीक है एक सवाल आपसे पूछे अनुराग आपसे सवाल पूछे भदौरिया जी आप मेरे को भाई मान दोस्त मानते हैं ना एक सवाल प्यार से पूछे भाई हिंदुस्तानी मेरा भाई हो बस मैं भाई आपसे सवाल बिल्कुल भदौरिया जी आप तो कावड़ यात्रा के फेवर में है। सपोज करिए कल आप कावड़ यात्रा में जाएंगे तो आप हरे कुर्ते में जाएंगे या किसी दिन गेरुआ कुर्ता भी पहनेंगे? अमित शाह जी जब योगी जी से मिले थे ये बड़े अमित शाह लग रहे हैं आपको ये अनुराग भदौरिया जी ये अमित शाह हैं बताइए अरे इनको जवाब देने दो ना ये भगवा कुर्ता पहनेंगे कि हरे में जाएंगे जवाब दे अब बताइए देखिए हम लोग घंटी गिर रही है सुन तो नहीं गिरेगी हम लोग अपने धर्म को हम लोग मतलब परिवार अच्छा हम लोग समाज को अपने धर्म को मानने वाले लोग अरे कुर्ता कौन सा पहनोगे रंग बता दो ना उससे पैराग्राफ क्यों लिख रहे हो जब हम जाएंगे आपने देखो हमने तो अपना अपना कलेवा भी बांधा हुआ है कलावा भी बांधा हुआ है वही मैं कह रहा हूँ सुन तो लीजिए वही है और जब हम पूजा करते हैं हमारे घर में तो बाकायदा मंदिर है उतना बड़ा मंदिर तो शायद संबित जी आपके घर पे होगा भी नहीं मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ जाएंगे मंदिर में जब हम पूजा करते हैं तो कौन सा रंग का कुर्ता पहनेंगे मंदिर में जब हम पूजा करते हैं तो मंदिर में पंडित जी आते हैं उसके हिसाब से जो वहाँ पे जिस तरह पद्धति होती है ये बता दीजिए वो पद्धति के हिसाब से बैठते हैं अरे यार तो भगवा पहनेंगे अगर इसमें सफेद होगा आपको हरे में ही देखा है सबने अभी तक सबने देखा तो क्या वो मेरा हरा कुर्ता नहीं छूटने वाला है देखिए हरा कुर्ता ही पहन के कावड़ कर रहे तो अच्छा ये हरा कुर्ता ही पहन के रहेंगे हरा पहन के अगर कुछ भाईचारे का पूजा करूं आपको क्या दिक्कत है अच्छा जवाब आपको क्या दिक्कत है अगर मैं हरे में पूजा करूं ठीक या व्हाइट में करूं गेरुआ में करूं आपको क्या समस्या है भाई प्रभु आपको समस्या क्या है नहीं इसीलिए कहते हैं आप धर्म को बड़े प्यार से पूछा कि आप हमारे आपका विषय है आप धर्म मेरे रास्ता का विषय है इनके लिए राजनीति का विषय है एक करके अजय लोग अजय देखिए आसिफ खान अब चुप शांत हो जाइए ओके अजय ठीक है उनको हरा कुर्ता मुबारक वो हरा कुर्ता पहन के जाए शांति शांति ऑडियो डाउन आपकी जिसमें आस्था रहे आप वो कीजिए उसमें हमें आपत्ति नहीं मुझे आपत्ति आसिफ जी आपकी एक बात से जो आपने कहा कि हिंदू पथराव करते हैं अभी आपने कहा आप पटियाला में किसने पथराव किया जनकपुरी में किसने तलवारें ले रहे अभी आपने कहा मैं कह रहा हूं आसिफ खान उनको सुनिए ना आप एक मिनट सुनेंगे ना आप उनको हैव पेशेंस उनकी बात सुनिए अगर देश में इतिहास होता कि हिंदू पथराव करता होता ना मैंने नहीं कहा एक मिनट तो जो आप गंगा जमुनी तहजीब की हम लोग बात कर रहे हैं वो गंगा जमुनी तहजीब इस देश में जिंदा रहती अगर गंगा जमुनी तहजीब इस देश में जिंदा है तो हिंदुओं के कारण मुसलमानों के कारण सबकी वजह नहीं क्योंकि सहिष्णु हिंदू है आप गलत उसका फायदा मत उठाइए बिल्कुल नहीं इसकी इच्छा होती है इसकी इच्छा होती है अब वो अपमानित करके चला जाता है एक मिनट दिल्ली में मंदिर तोड़ दिया मूर्तियां तोड़ दी अगर आपके मस्जिद कोई तोड़ दे दंगे नहीं हो जाएंगे यहाँ दंगा हुआ राजस्थान में अगर यही मस्जिदों पर अटैक हो जाए आप रुकेंगे कोई नहीं मस्जिदों पर अटैक करेंगे राज बिछा देंगे जहांगीर झारखंड के मंत्री मस्जिद तोड़ी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक मिनट में मस्जिद तोड़ी या मंदिर तोड़ा क्या बात बता दी मुझे सर सुनिए आप जो कहने सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी होती है झारखंड सरकार का एक मंत्री कहता है कि 20% लोगों को अगर तंग करोगे तो 80% कभी शांति से नहीं बैठ पाओगे ये उसने कल ऑन कैमरा बयान दिया है ऐसे लोग तो हैं आपके कहता है ऐसे लोग हैं आपके जो मुख्यमंत्री कहता है कितनी बड़ी स्टेट का यहाँ पे टेररिस्ट का एनकाउंटर होता है टेररिस्ट का एनकाउंटर होता है वही मुख्य एक सेकंड आसिफ जी आप सुनिए आपने बोला जो मुख्यमंत्री कहता है 80-20 मैंने योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू 3 बारी करा उस दौरान और मैंने 80-20 पर एक नहीं उनसे 6-6 बार सवाल पूछा उन्होंने बोला 80-20 से मेरा तात्पर्य ये था समाज का 80% वो हिस्सा शांति चाहता है और समाज का 20% वो हिस्सा जो अशांति चाहता है अब आप सुनिए उसी मुख्यमंत्री ने न गिरजाघर देखा न मंदिर देखा न मस्जिद देखी न कुछ और देखा सिर्फ कानून देखा और 42,000 एक सेकंड सुनिए और 42,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी उसी महंत योगी आदित्यनाथ ने सुनिए पहले आप उसके बाद उसी महंत योगी आदित्यनाथ ने 22,000 लाउड स्पीकर हटा दिए आसिफ खान जी उसी महंत योगी आदित्यनाथ ने
बुलडोजर चलाया, बुलडोजर चलाया उन पर जो उन पर लखीमपुर जो कि समाज के समाज में विद्वेष पैदा करते थे। लखीमपुर पे नहीं, जवाब जवाब लखीमपुर पे नहीं। जहांगीर अनुराग आपसे सवाल नहीं, आसिफ से सवाल है। आप मैच का जवाब दूंगा। आसिफ मोहम्मद, देखिए जहां तक सर्व सारे धर्मों के की जो मैं आप योग्य आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, वही कह रहा हूं। अगर आपको लगता नहीं, हाँ में बोलिए, योगी आदित्यनाथ का बॉर्डर जबरदस्त है। ईमानदारी से अगर वो कोई भी काम करेंगे हम वेलकम करेंगे, तो करिए वेलकम इसका। हम वेलकम करते हैं, अगर सारे सभी धर्मों के इबादत गाहों से तुलाएंगे, किसी को बोलिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, किसी ने ऐतराज किया भी नहीं, तो देन कांग्रेचुलेट हिम, किसी ने करा कांग्रेचुलेट हिम, हमने इस पार्टी का ऐतराज जोर जोर से कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन आप सभी तो आप लोग कांग्रेचुलेट करिए ना, बात तो सुनिए, मैं कांग्रेचुलेट करिए पहले। हां मैं इस बात की करूं कि जहांगीरपुरी में मस्जिद का, जहांगीरपुरी की बात कर रहा हूं, योगी की बात कर रहा हूं, और मंदिर बराबर में था उसका गेट बचा दिया, इस बात का वेलकम करूं इनका। दिल्ली में बैठे हुए अवैध कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन करवाने का ठेका अभी लोगों ने ले रखा है, उस्मानपुरी बसा दिया पूरी सरकारी जमीन पे, उसको तोड़ेंगे नहीं क्या? उस्मानपुरी बसा दिया गाजियाबाद में पूरी सरकारी जमीन के तालाब पे, उस्मानपुरी नगर खाली तोड़ेंगे नहीं, नजर आता है। एक मिनट आवाज सुनिए, आपको आवाज सुनिए, यही सोच है। आप एक बात सुनिए, आपकी दिक्कत है कि आपको राष्ट्रपति तहजीब को बड़ी बात बोली है कि ये सोच खराब है। श्री राम को लड़ी नजर नहीं आई आपको, उस्मानपुर नजर आया होती। एक मिनट, अगर मेरी सोच खराब होती नजर नहीं आई, अगर हिंदुओं की सोच खराब होती तो मैं फिर कह रहा हूँ इसी चश्मे से आप फिर कह रहा हूँ मुसलमान इनकी सोच नहीं रहती। एक सेकंड, बार बार कहा जा रहा है इनकी सोच खराब है, इनकी सोच खराब है, अजय अलोक और संबित पात्रा की सोच खराब है। एक सेकंड आसिफ साहब, मैं बड़े दिनों से पूछना चाहता हूँ, कोई कांग्रेस का वरिष्ठ नेता मिले तो मैं सवाल पूछूं। आसिफ साहब आप मेरे सवाल के लिए तैयार है? ये तुर्कमान गेट पर किसकी सोच खराब थी जो बुलडोजर चला था? तुर्कमान गेट याद है ना आपको, किसकी सोच खराब थी तब? देखिए उसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, इसी तरह बीजेपी को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस बुलडोजर का। मतलब आप मानते हैं कि तब सोच खराब थी? अरे हम तब सोच खराब थी, आप हम कह सकते हैं सोच नहीं खराब थी, इनके हिसाब से सिस्टम नहीं चलेगा तो वो सिस्टम खराब है, ये सोच खराब सिस्टम आप तय करेंगे। आपने संविधान को आप तय करेंगे, उस्मानपुर का आप तय करेंगे। चलिए ना, उस्मानपुर का कोई तय कर रहा है ना श्रीराम कॉलोनी का कोई तय कर रहा है, लेकिन तुर्कमान गेट पर जब बुलडोजर चला था तो सोच खराब थी। ऐसे ही होता है जब आप बुलडोजर की कार्रवाई को धर्म के आधार पर जोड़ते हैं। संबित पात्रा, देखिए आशीष भाई को आप डेसिबल देखिए, और फिर ये लोग कहते हैं इतना बोलने के बाद कि हम खतरे में हैं, हमको ये लोग मारने, हम खतरे में नहीं है। कौन कहता है आप हो गए खतरे में? हम क्यों होते हैं? हमारा मुल्क है, हम यहाँ के नागरिक हैं, आप कौन होते हो हमें डराने वाले? ओवैसी बोल रहे हैं, ओवैसी उस ओवैसी तो आपका चारा है, कांटे में लगाने को कोई चाहिए आपको ओवैसी मिल जाता है। राहुल गांधी बोल रहे थे कल डरे हुए, आपको ओवैसी चारा है आपका, याद रखिए राहुल गांधी चारा है, आप ओवैसी राहुल गांधी चारा है, राहुल गांधी चारा है आपको, राहुल गांधी चारा है, क्या है राहुल गांधी, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, चारा है, क्या परेशानी है आपको राहुल गांधी से? नहीं हमें तो परेशानी, आप ही को परेशानी है राहुल गांधी से, कोई परेशानी नहीं है हमें, नहीं है हमें कोई परेशानी। राहुल गांधी ने भी कहा, आपको बहुत ज्यादा परेशानी, 30 सेकंड सुनिए, 30 सेकंड। राहुल गांधी जी ने कहा कि इस मुल्क में मुसलमान आज डरा हुआ है, उनका बयान है, मुसलमान आज डरा हुआ है, बिल्कुल राहुल जी ने नहीं कहा मुसलमान, अरे हर दिन कह रहे हैं डराने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है कोशिश, जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी, डर नहीं रहे ना, लेकिन डरने वाला नहीं है, बस तो आप डरने वाले हैं नहीं हो तो निकाल देना। आप सुबह से इतनी जोर चिल्ला रहे हैं, फिर काहे को खतरे में है, फिर ये तो आपके साथ खतरे में नहीं है, खतरे में हम तो होते तो आप क्या, तो हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, मुसलमानों से हिंदू खतरे में, अरे आइसक्रीम बेचने वाले को तो बंद करो पहले, अब बताओ बचपन में आइसक्रीम बेचने वाले कहां से, शुरू से दंग 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 आइसक्रीम शुरू से, अरे पहले आसिफ भी आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले लो, घंटी बजाओ तो दिक्कत, इनको भगवान से दिक्कत है, अरे भाई ना तो दिक्कत है, बांसुरी तो कृष्ण का प्रतीक है, बांसुरी की है, घंटी मंदिर की है, मंदिर में घंटी बजती है, अरे भी दिक्कत, मैं हर चीज से दिक्कत भी चोरी किया मंदिर से घंटी भी चोरी की, ये सब पता है हमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए अब बिल्कुल ये शो भी खत्म होने की घंटी बज गई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आखिर में चलते चलते मैं हर रोज चर्चा के बाद एक निष्कर्ष देता हूं, आज की चर्चा का निष्कर्ष ये है कि हम कुछ भी कर ले भारत के अंदर कानून का राज ही होगा, और इसी भी योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो कानून के राज के दायरे में किया है, इसीलिए आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को यह मानना पड़ा कि बढ़िया काम कर रहे हैं।
बढ़िया नहीं, हमने सबने उसको आप ही ने बोला एक्सेप्ट किया, चलिए अब इसी ने मानना पड़ा, इसीलिए कुल मिलाकर कानून सबसे ऊपर है, कानून सर्वत सबको होना पड़ेगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।